गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पत्र लेखन दिया था आपको, तो आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह, विराम यानी क्या है? रुकना, विराम। तो विराम चिन्ह में क्या है? 9 प्रकार के चिन्ह है, तो हम एक के बाद एक देखेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी में विराम चिन्ह निम्नलिखित है। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जो चिन्ह हमें बोलते समय या पढ़ते समय रुकने का संकेत देता है, तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ ही है क्या? रुकना या ठहरना। जब हम पढ़ते हैं तो हम एक साथ ऐसे ही नहीं पढ़ते, जहाँ कॉमा रहता है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, वहाँ क्या है, हम वैसे ही हम उसका उच्चारण करते हैं और वैसे ही क्या है, पढ़ते हैं। तो यहाँ विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह में 9 चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। पहला अल्प विराम, यहाँ जिस तरह चिन्ह है वो भी मैंने यहाँ ब्रैकेट में कोष्ठक में दिया है। देखिए बच्चों, तो अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। कन्नड़ या इंग्लिश जब लिखते हो तो आप पॉइंट देते हो, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं देना, हिंदी में आपको ऐसे दंड लिखना है। एक सेंटेंस होने के बाद, पूरा वाक्य होने के बाद आपको क्या है, यहाँ दंड है, पूर्ण विराम इस तरह आपको देना है। चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, भाव सूचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी है, एक दंड देकर नीचे क्या है, एक पॉइंट दिया है। नेक्स्ट, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी हम यहाँ देखिए बच्चों, माँ बाप, अच्छा बुरा ऐसे लिखते हो तो हम मिडल में एक योज चिन्ह ऐसे उसका उपयोग करते हैं, तो उसे योजक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का कहाँ उपयोग करते हैं हम? अगर किसी ने बात कही है तो, यानी फॉर एग्जांपल राम ने कहा या गुरु जी ने कहा, क्या कहा, वो वाक्य जो है वो हम क्या है, उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट में, ब्रैकेट में जो लिखते हैं ब्रैकेट, उसे क्या है, कोष्टक चिन्ह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अब एकांकी या नाटक रहता है तो पीछे से काउंटिंग करते हैं, स्वर आता है, तो क्या है, उसे कोष्टक में वो लिखते हैं, कोष्टक चिन्ह। और लास्ट वन विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह यानी दो पॉइंट और एक लाइन यहाँ देते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, या किसी अर्थ किसी का लिखना है तो हम क्या करते हैं, अर्थ अर्थ ऐसे लिखकर क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ ये क्या है, विवरण चिन्ह है। तो आइए बच्चों, हम अल्प विराम, अर्ध विराम इसके बारे में क्या है और जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट वन अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ थोड़ी देर के लिए रुकना, अल्प विराम का अर्थ थोड़ी देर के लिए।
उदाहरण, जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तब विद्या विनय विवेक साथ निभाते हैं। ऐसे ही हम क्या है, पढ़ते गए तो हमें उसका अर्थ मालूम नहीं होता, तो जहाँ कॉमा है वहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है। विद्या विनय विवेक ऐसे हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तब विद्या विवेक और विनय साथ निभाते हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या है, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना। अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम कितना जास्ती नहीं रुक, अदल है पूर्ण विराम से कम, फुल स्टॉप नहीं ना, सर पकड़े भी नहीं लो, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण, परीक्षा निकट आ गई है, मन लगाकर पढ़। परीक्षा निकट आ गई है, मन लगाकर पढ़। यानी यहाँ अल्प विराम से कम और पूर्ण विराम से, सॉरी अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह भी यहाँ हमने दिया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, पूरी तरह रुकना या ठहरना। एक वाक्य होने के बाद हमें क्या है, रुकना है। ऐसे हम कंटिन्यू पढ़ते गए तो कुछ अर्थ नहीं होगा, इसीलिए जब भी हम एक वाक्य पढ़ते हैं जब हम, तब हमें क्या है, जहाँ फुल स्टॉप रहता है तब हमें थोड़ी देर रुकना है। उदाहरण, गीता सुंदर लड़की है, एक वाक्य फुल स्टॉप यानी एक वाक्य होने के बाद यहाँ पूर्ण विराम दिया गया है। तो बच्चों यह विराम चिन्ह के बारे में हमने क्या है, जानकारी दी गई है। तो अगले वीडियो में बाकी के जो बचे हुए चिन्ह जो है उसके बारे में हम क्या है, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों जैसे मैंने दिया है लिखा है उसी तरह आपको भी लिखना है। देखिए बच्चों, अगले वीडियो में बाकी के जो चिन्ह बचे हुए हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया बच्चों, धन्यवाद।